7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से समूचा मिडिल ईस्ट ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ये ज्वालामुखी फटने को आ रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है लेबनान के हिजबुल्ला और इसराइल की बढ़ती टेंशन। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर आग बरसा रहा है। हिजबुल्ला का कहना है कि जब तक गाजा के भीतर इजरायली सेना अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तब तक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। और तो और हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने दो टूक कह दिया है कि इसराइल अगर लेबनान पर हमला करता है तो उसका वो हश्र होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही वजह है कि उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला हर एक सेकेंड हर एक मिनट में हमले कर रहा है। यहां तक कि हिजबुल्ला ने अपने जासूसी ड्रोन को भेजकर इसराइल की कई खुफिया सैन्य अड्डों की जानकारी भी जुटा ली है। और अब वो कह रहा है कि उसे इसराइल के नए सैन्य टारगेट्स का पता चल चुका है, और अगर इसराइल लेबनान में नागरिक ठिकानों पर हमले जारी रखता है तो वो इन ठिकानों पर रॉकेट हमले करेगा। जी हाँ, हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला ने एक संबोधन के दौरान ये बात कही है। नसरल्ला का कहना है कि गाजा में युद्ध इसराइल और लेबनान के बीच पूर्ण जंग को तब्दील कर सकता है। नागरिक ठिकानों पर लगातार हमले जारी रखने से हिजबुल्ला उन सेटलमेंट्स पर रॉकेट हमले करेगा जिन पर पिछली बार हमला नहीं हुआ है, और इन हमलों को लेकर लेबनान की सरकारी मीडिया का कहना है कि 16 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के एक हवाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले से एक दिन पहले ही आईडीएफ की एक और एयर स्ट्राइक में 3 नागरिकों की जान चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना कह रही है कि वो लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक लेबनान में आईडीएफ के हमलों में 500 लोगों की जान चली गई है। इनमें से अधिकतर हिजबुल्ला के लड़ाके हैं, लेकिन इनमें करीब 100 से ज्यादा नागरिक भी हैं जो मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्ला के हमलों में इसराइल के 17 जवानों की मौत हुई है जबकि 13 नागरिक मारे गए हैं, और हिजबुल्ला का कहना है कि वो इसराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इसराइल उसके ऊपर युद्ध थोपता है तो वो पीछे नहीं हटेगा, और पिछले 10 महीनों से चल रही जंग में इसराइल अब पीछे हट चुका है। नसरल्ला ने आगे कहा कि लेबनान 8 अक्टूबर 2023 के बाद से अलक्सा फ्लड ऑपरेशन में शामिल होने के बाद से एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। ये लड़ाई पूरे देश की है, हम यमन के हूती फ्रंट और इराक सीरिया और ईरान के साथ खड़े हैं। 3 अरब देश इसराइल की आक्रामकता से सीधे पीड़ित हैं, फिलिस्तीन, लेबनान और सीरिया। नसरल्ला का कहना है कि इसराइल के पास अब पूर्ण युद्ध लड़ने की ताकत नहीं बची है क्योंकि गाजा में पहले ही आईडीएफ की ताकत खप चुकी है। इजरायली सेना के पास टैंक तक कम पड़ गए हैं, और अगर इसराइल के टैंक दक्षिणी लेबनान की तरफ आते हैं तो आपके पास टैंकों की कमी नहीं होगी बल्कि टैंक बचेंगे ही नहीं। आपको बता दें कि इसराइल की नॉर्दर्न कमांड पहले ही कह चुकी है कि वो हिजबुल्ला के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन लेबनान पर हमला कब किया जाएगा इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।